माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी अपनी यूनिवर्सिटी टूर के ऊपर, तो उस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक बार हॉस्टल टूर के ऊपर भी वीडियो बना दो। तो मैं बहुत टाइम से बनाना भी चाह रहा था, बट टाइम ही नहीं हो रहा था मेरे पास व्लॉग बनाने का, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और पढ़ाई वढ़ाई भी करनी पड़ती है। आजकल प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, वाइवा वगैरह, तो इन सब की तैयारी करनी पड़ती है। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब हवा चल रही है एकदम, तो फ्रेश फ्रेश लग रहा है, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही देते हैं। तो अभी ना हमारे साथ शूट पे कौन कौन है, हमारे साथ है अनूप कुमार और रणधीर। रणधीर अच्छी शूटिंग करता है बट टाइम बहुत खाता है। रणधीर का मेन मोटिव रहता है कि वो शूट के दौरान अपनी फ़ोटो खींच ले। और ये देखो, और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का टूर। सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रंट लुक दिखाऊंगा। हाँ, अरे यार शिट, हॉस्टल टूर है ना, और फ्रंट लुक से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट, सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। एंड गाइस, सामने से हमारे हॉस्टल का फ्रंट लुक कुछ इस टाइप का आप देख सकते हो। यहाँ गेट वगैरह लगा है और यहाँ अपने गार्ड भी अभी बैठे हुए हैं, 24 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और जैसे ही हम हॉस्टल के अंदर आते हैं तो राइट हैंड साइड पे एक चेक पोस्ट है, जिसमें जब भी हम घर से आते हैं तो वहाँ हमें एंट्री करनी कंपलसरी होती है। तो गाइस, ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये हमारी हॉस्टल की बिल्डिंग है। और ये हॉस्टल 3 मंजिला हॉस्टल है, और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। तो फिलहाल तो मैं आपको बाहर बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊंगा, क्योंकि हमारा हॉस्टल है ना थोड़ा, उसमें लाइटनिंग कम आती है, लाइट कम आती है। तो अभी शूट करूंगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, और रात को 8 बजे के बाद वहाँ लाइट वगैरह सब चालू हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आप लोगों को हॉस्टल का टूर करवाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को जो हॉस्टल का लॉन है, गेट है, वो सब दिखा दूँ मैं आपको, जहाँ हम लोग शाम को खेलते हैं, फ़न करते थोड़ा बहुत, वो वाली चीज़ें दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये हमारे हॉस्टल का जस्ट बैक एरिया है, मतलब पीछे साइड का एरिया है, छोटा सा लॉन है। यहाँ पर हम लोग बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इधर आके दिखाना। ये हॉस्टल के जस्ट बैक साइड के एरिया में एक छोटा सा लॉन है। यहाँ पर इवनिंग के टाइम, जैसे रात को 8 बजे के बाद हम बाहर कैंपस में नहीं घूम सकते, तो यहाँ आके हम लोग फन एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। ये एक छोटा सा बैडमिंटन कोर्ट है और वो वॉलीबॉल कोर्ट है। यहाँ कुछ लोग बैठते हैं, चिल करते हैं। वो पेड़ है एकदम पीपल का, एकदम ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन प्रजान। रणधीर अभी बैठ कर बताएगा आपको वहाँ। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देता है यहाँ पेड़। वहाँ पर भी बैठने की कुछ सीट्स हैं। ये दोनों बैठ गए, बस हरकत ही नहीं करो भाई, पारिवारिक ब्लॉग है। और कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, ओ तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। आपको कुछ इस तरीके से खेलते हैं यहाँ। अभी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, अच्छा नहीं आ रहा होगा। इसके बाद जाता हूँ हॉस्टल, ऊपर का टूर वूर दिखाते हैं आपको, है ना। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, रात को मैं आप लोगों को हॉस्टल टूर कराऊंगा, क्योंकि रात को यहाँ लाइटिंग अच्छे से होती है। तो अभी मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा, फिर एक दो रूम और दिखाऊंगा, फिर थोड़ा कॉरिडोर दिखाऊंगा, फिर थोड़ा उससे बड़ा वाला कॉरिडोर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा बालकनी टाइप का एरिया भी दिखाऊंगा। टॉयलेट बाथरूम अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी दिखाई दूंगा। आप लोग ऑफ कोर्स नहीं देखना चाहते होगे, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज़ माय रूम, थोड़ा मेसी सा है बट इट्स ओके, इतना चलता है ना। दूसरे रूम दिखाता हूँ आपको जो अच्छे हैं। और ये एक छोटा सा कॉरिडोर है। तो अभी हम आपको ले जाएंगे अनूप कुमार के रूम में, जो सुबह हमारी वीडियो बना रहा था। ओ माय गॉड, अनूप कुमार पढ़ाई कर रहे हैं। yes, सर कितने देर से पढ़ाई कर रहे हो आप? बस आधे घंटे से। आधे घंटे से। और ऐसा कुछ रूम रहता है, ये हमारे लॉकर वगैरह हैं, इसमें सामान रखते हैं। एक रूम में 2 लोग रहते हैं तो एक
एक बच्चा यहाँ सामान रखता है, एक बच्चा यहाँ सामान रखता है, और थोड़ा ऊपर स्पेस है वहाँ ऐसी बॉटलें वगैरह रख देते हैं, है ना। और मैं सच्ची बताऊँ ना, ये देखो मंदिर, भगवान जी का मंदिर है देखो। और सच्ची बताओ ना, ये लड़का बस 5 मिनट पहले जैसे मैं वीडियो बनाने आया उससे पहले कहता भाई मैं किताब, मैंने वीडियो बना रखी है बेटा, वो जब तू किताबें निकाल रहा था तो वो अभी प्लेबैक में चलाऊंगा, 5 मिनट पहले कहता भाई मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ तब आइयो वीडियो बनाइयो सब पकड़े जाते हैं भाई। अरे दिया कितना दे दिया, तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात, दे दिया कितना दे दिया। और ये है यहाँ की टॉयलेट बाथरूम, और यहाँ पर हम लोग अपने कपड़े वगैरह सुखाते हैं। ये रहा बाथरूम, ऐसे बाथरूम है और टॉयलेट जैसे घर में होते हैं वैसे यहाँ है, है ना। तो ज़्यादा देखने की कोशिश मत करो, यहाँ अपन लोग ब्रश वगैरह कर लेते हैं कभी कभी, मतलब सुबह सुबह, रात को भी करता हूँ। तो एक रूम में ले जा रहा हूँ जिसमें बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो ये भाई बहुत अच्छा गाता है भाई, ये इंटरनेशनल तबला प्लेयर है भाई, इंटरनेशनल। ये भाई तबला भी बजाता है, संस्कृत भी पढ़ता है और गाना भी गाता है। हाँ, संस्कृतम जयतुम, संस्कृतम जयतुम भारतम, जयतुम जयतुम करतम पढ़तम। और भाई संस्कृत बहुत गजब पढ़ता है और तबला बहुत गजब बजाता है। और गेम पबजी देख लो भाई, हरकतें बेकार है बस इनकी, स्मार्ट दिखता है पर बात ही है ना। और ये भाई, ये तो क्लास के टॉपर है ना, क्लास के टॉपर और संस्कृत के ज्ञाता, सुबह डेली हवन करते हैं। और ये गिटार बजाता है भाई, डबली बजाता है भाई, और गाना गाता है। मैंने इसका पुराना वाला गाना डाला था ना तेरा भाई, बांसुरी भी बजाता है, यही बताने के लिए दोबारा कैमरा लाया मेरा। अभी हम लोग आए हैं 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पर गैस वगैरह रहती है, ये हमारे शेफ हैं। फ्लैश चालू करना भाई, अच्छा लग रहा है। ये हमारे क्या बोलते हो भाई, पारिवारिक ब्लॉग है ये हमारे शेफ हैं, मेरी पारिवारिक, देव नाम है इनका। और यहाँ दूध उबाला जा रहा है, यहाँ ये क्या बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, मकैंस बोलते हैं, मकैंस नाम सुन लो, मकैंस एकदम रईस वाले नाम है। अरे भाई पैदा ही रईस हुए थे, हमारे डायपर भी पैसे के बने थे जो बहुत टेस्टी होना है। और नहीं निकालना है भाई, छोटा वाला एकदम हार्ट के शेप का है। तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात। और ये बालकनी है, यहाँ से हवा आती है बहुत अच्छी, और जैसा व्यू दिखाई देता है। ये बैक साइड की है, तो अभी अनूप कुमार हमारे सर की चंपी करेंगे। अनूप कुमार बेइज्जती कर गए, पर अभी आएंगे और करेंगे। यहाँ यहाँ उदित, उदित मियाँ यहाँ पढ़ाई करते हुए, रणधीर पढ़ता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। और रणधीर यहाँ पर ऐसे बैठे बैठे बस अलग ही दुनिया में है इसका आंसर आ रहा है। और मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है पूरे हॉस्टल में, अनूप कुमार, अभी बाल टूटेंगे और यहाँ मालिश करते हो, बहुत अच्छा इंसान है नो। मतलब इसके आज ही तारीफ करते बाकी गाने हैं देखो, इसके जैसा अच्छा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, पता देखा है बाद में देखेंगे ना। दिन तेरे किड धा 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 हाँ कुछ जूली, दिन तेरे किड धा हाँ कुछ जूली प्ली। बाकी हम मालिश करवाते हैं आपको। ऑफ कोर्स हॉस्टल टूर पसंद आया होगा, छोटा सा प्यारा सा हॉस्टल था। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ चीज़ों को रियल रखूँ, उसमें कुछ हेरा फेरी ना करूँ, जैसा वो दिखता है वैसा मैं दिखा देता हूँ, कुछ एडिट करने की कोशिश नहीं करता। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और आपके अगर कोई फ्रेंड्स हॉस्टल में हैं या पढ़ते हैं तो उन लोगों को भी शेयर करो।
और फनी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताओ, कोशिश करूंगा मैं बनाने की। कमेडी हाँ, लव यू गाइस, लव यू। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए, क्यों कसूर है आप? अगर अच्छी लगी